तो एक बार हम फिर से स्वागत करते हैं आपका यूनिक ऑनलाइन गुरु चैनल में। मैं रत्नाकर उपाध्याय आज पूरा एक ऐसा कोर्स के बारे में बताने जा रहा हूं जिसकी जानकारी आपको नहीं होगी, अगर होगी भी तो अधूरी होगी दोस्तों। तो इसलिए आज हम पूरा आपको एक ऐसे कोर्स के बारे में बताने जा रहे हैं जिस कोर्स को कर लेने से पूरा अकाउंटिंग की नॉलेज आपको हो सकती है। पूरा अकाउंटिंग के साथ साथ पूरे ऑफिशियल वर्क भी आप कर सकते हैं। मात्र 6 महीने का कोर्स है, अगर आप उसे शॉर्ट में करें तो 3 महीने का कोर्स है दोस्तों। तो इसलिए हम आपको बताएंगे कैसा छोटा सा कोर्स जो कि आपको मजा दे देगा। तो एक उसका नाम है DFA दोस्त। क्या है? DFA, ठीक है। इसका फुल फॉर्म जो होता है वो होता है डिप्लोमा इन फाइनेंशियल अकाउंटिंग, ठीक है। अब ये बताइए, इसमें दे दिया है डिप्लोमा इन फाइनेंशियल अकाउंटिंग, मतलब क्या हुआ? सीधी सी बात है, ये डिप्लोमा दे रहा है और अकाउंटिंग का नॉलेज भी साथ में साथ देगा। तो दोस्तों हमने इसके पहले काफी सारे वीडियोस बना रखे हैं जिसमें हमने बेसिक का पूरा समझा रखा है। अगर आप लोग को बेसिक की नॉलेज लेनी हो तो आप डिस्क्रिप्शन में लिंक दिए गए हैं, उससे जाके आप किसी भी CCC OMC DCA ओ लेवल किसी चीज की भी जानकारी ले सकते हैं। ऑलरेडी वीडियो पड़े हुए हैं हमारे। तो दोस्तों हम लोग बात करते हैं अपने DFA के कोर्स पे, जिसकी जानकारी हम बताते हैं इसमें क्या क्या पढ़ाया जाता है कि आप लोगों को प्रॉफिटेबल होगा, कौन कौन सी जॉब अपॉर्चुनिटीज हैं, कितना टाइम लगता है, कितना समय लगता है, कितना पैसा लगता है, और साथ ही साथ हम इसको कहां से करें, किस इंस्टीट्यूशन से करें, इसकी एलिजिबिलिटी क्या होनी चाहिए, ये सारे क्वेश्चन के जवाब मैं दूंगा। इस वीडियो को आखिर तक आप देखते रहिएगा। तो मैं बताता हूं दोस्तों, सबसे पहले जो इसकी एलिजिबिलिटी होती है वो 10th होती है ओनली, यानी कि 10 पास करके इस कोर्स को आप कर सकते हैं, किसी से जानकारी लेने की जरूरत है ही नहीं है। उसके बाद जो इसका फीस स्ट्रक्चर होता है वो होता है 3500 to 5000 ओनली, यानी मतलब ये हुआ कि 3500 to 5000 इसमें आप DFA का कोर्स आराम से कर सकते हैं। उसके बाद इसको करने के लिए हमें जो चाहिए वो चाहिए इंस्टीट्यूशन, यानी कि किसी भी इंस्टीट्यूशन से हम कर सकते हैं। हाँ, अगर आप इसको पढ़ लिए तो पक्का मैं प्रॉमिस कर रहा हूं कि आपको कभी भी कोई प्रॉब्लम अकाउंटिंग से रिलेटेड, बेसिक से रिलेटेड हो ही नहीं सकती है। अगर आप लोगों को कोई भी प्रॉब्लम होती है देन यू कैन कमेंट, हमें आप कमेंट करिए, हम आपका पूरा जवाब देंगे। उसमें डिस्क्रिप्शन में नंबर दिए हुए हैं, व्हाट्सएप पे आप हमें शेयर कर सकते हैं। तो दोस्तों हम लोग बताते हैं इसका जो एलिजिबिलिटी होती है 10th होती है, जो इसका फीस स्ट्रक्चर होता है वो 3500 to 5000 होता है, और हाँ जो इसको करने के लिए हमें इंस्टीट्यूशन की जरूरत पड़ती है। इसके सर्टिफिकेट मिल जाएंगे मार्केट में, लेकिन नॉलेज मार्केट में नहीं मिलेगा। नॉलेज के लिए आपको दोस्तों पढ़ना पड़ेगा। तो दोस्तों हम लोग बात करते हैं इसके सिलेबस पे कि इसका सिलेबस आखिर होता क्या है। हम लोग बात करते हैं इसके सिलेबस पे, तो जो इसका सिलेबस है DFA का वो क्या है। सबसे पहले हम लोग आप बता दें कि कोई भी कोर्स कंप्यूटर का स्टार्ट होता है तो सबसे पहले हम लोग फंडामेंटल पढ़ते हैं। सबसे पहले हम लोग क्या पढ़ेंगे फंडामेंटल पढ़ेंगे। अब आपको हम बता दें कि फंडामेंटल में क्या आता है। फंडामेंटल में पूरा बेसिक कंप्यूटर आ जाता है, जिसको हम लोग व्हाट इज कंप्यूटर, जिसको हम लोग कह सकते हैं व्हाट इज कंप्यूटर, ठीक है। और इसके बाद कंप्यूटर का एप्लीकेशन भी इसका हम लोग पढ़ेंगे, ठीक है। उसके बाद एप्लीकेशन भी पढ़ेंगे, फिर हम लोग जनरेशन भी पढ़ेंगे, पूरा कंप्यूटर का जनरेशन पढ़ेंगे। फिर इसके बाद दोस्तों हम लोग बात करेंगे इसके एडवांटेज पे, एडवांटेज भी पढ़ेंगे इसमें, एडवांटेज एंड डिसएडवांटेज, ठीक है। फिर उसके बाद हम लोग इसी में पढ़ेंगे दोस्तों क्या, इसके लिमिटेशंस पढ़ेंगे और सारी चीजें हम पढ़ेंगे। जनरेशन हिस्ट्री, इसमें हिस्ट्री भी पढ़ सकते हैं हम लोग, क्योंकि हिस्ट्री के क्वेश्चन तो कहीं बनते नहीं है, लेकिन हिस्ट्री थोड़ी सी पढ़ाई जाती है ताकि बच्चों को ये पता होना चाहिए कंप्यूटर कहाँ से स्टार्ट हुआ और कहाँ तक जाएगा। तो इसकी हिस्ट्री होगी, ये हमारा आता है किसमें, बेसिक कंप्यूटर में आता है, ठीक है। फिर उसके बाद हम लोग बात करते हैं दोस्तों, इसी में आ जाएगा टाइप्स ऑफ कंप्यूटर, क्या आएगा, टाइप्स ऑफ कंप्यूटर, इसे भी बेसिक बेसिक में ही आ जाएगा। तो ये आपको पूरा आपको बेसिक कंप्यूटर होता है जो कि फंडामेंटल के अंदर आता है दोस्तों। तो ये आम चीजें ये हर जगह पढ़ाई जाएंगी, इसी बेसिक में आएगा आपका विंडोज आ जाएगा, विंडोज के कौन कौन से वर्जन होते हैं, 7 होता है, 8 होता है, 10 होता है, XP होता है, तो ये सारे विंडोज की जानकारी आपको पूरी दी जाएगी उसमें। उसके बाद फुल फॉर्म, ठीक है, एब्रोविएशन यानी कि शॉर्टकट,
यानी कि शॉर्टकट भी इसमें पढ़ाया जाएगा। तो ये चीजें आपके क्या होंगी, फुल फॉर्म हो गया, शॉर्टकट हो गया, ये भी इसमें पढ़ाया जाएगा। एंटीवायरस, वायरस की जानकारी दी जाएगी। इसके बाद हम लोग सीधे आएंगे सॉफ्टवेयर पे, जो सॉफ्टवेयर और हार्डवेयर जिसको हम लोग कहते हैं, तो आप लोगों को बहुत अच्छे से पता गया होगा कि जिसको हम लोग देख सकते हैं और छू सकते हैं उसको हम लोग हार्डवेयर कहते हैं, जिसको हम लोग देख नहीं सकते छू नहीं सकते उसको हम लोग सॉफ्टवेयर कहते हैं दोस्तों, ठीक है। ये पढ़ाया जाएगा इसमें पूरा। सॉफ्टवेयर में क्या आएगा, एमएस ऑफिस पूरा आ जाएगा जिसको आप लोग अच्छे से जानते हैं, नहीं जानते हैं तो आप वीडियोस देख सकते हैं, हमारे डिस्क्रिप्शन में पड़ा हुआ है, उसकी डिटेल देने में टाइम लगेगा। तो दोस्तों हम बता देते हैं आपको कि आप सॉफ्टवेयर में एमएस ऑफिस, एमएस पेंट हो जाएगा, फिर उसके बाद क्या होगा, वर्ड पैड हो जाएगा, नोट पैड हो जाएगा, ये सारी चीजें क्या है, ये सारे सॉफ्टवेयर के अंदर आते हैं। हार्डवेयर में क्या आएगा, हार्डवेयर में आपको बेसिक नॉलेज ऑफ कंप्यूटर दिया जाएगा, यानी कि रैम क्या होता है, रैम को हम कैसे लगाते हैं, हार्डवेयर काम कैसे करता, बिना हार्डवेयर के कंप्यूटर चल सकता है कि नहीं चल सकता, ये सारे क्वेश्चंस के आंसर दोस्तों इसमें मिलेंगे। और हाँ, इसके बाद जो सबसे अहम चीज होती है इसमें, वो होता है टैली। टैली इसका एक वर्जन चल रहा है 9 विथ जीएसटी, ईआरपी कह सकते हैं, ईआरपी 9 विथ जीएसटी, ये इसका लेटेस्ट वर्जन चल रहा है। इसी लेटेस्ट वर्जन से ही हमारे यहाँ क्लास चलती है और इसी पे करना भी चाहिए, ताकि आप लोगों को लेटेस्ट की सारी जानकारी होनी चाहिए, कोई भी प्रॉब्लम ना बचे, कोई भी प्रॉब्लम ना हो, इसीलिए इसकी लेटेस्ट जो है वर्जन हम लोग यूज करेंगे। इसको कर लेने मात्र से आपको फाइनेंशियल जॉब पा सकते हैं, किसी भी कंप्यूटर ऑपरेटर की जॉब पा सकते हैं, किसी भी ऑफिस में जाके वर्क कर सकते हैं, कहीं पे भी किसी इंस्टीट्यूशन में काम कर सकते हैं, यानी इसको करने के बाद आप कुछ भी कर सकते हैं, कोई भी प्रॉब्लम नहीं है। तो ये है हमारा डीएफए कोर्स। हाँ दोस्तों, एडीएफए होता है एडवांस डिप्लोमा इन फाइनेंशियल अकाउंटिंग, जो कि एडवांस डिप्लोमा मतलब 2-3 लैंग्वेज में पढ़ा दी जाती है, उसके बाद हमारा ये कोर्स कंप्लीट हो जाता है दोस्तों। तो ये रहा पूरा डीएफए का कोर्स। अगर आपको प्रॉब्लम होती है तो आप हमें कमेंट बॉक्स में कमेंट कर सकते हैं, ताकि हम आपका प्रॉब्लम सॉल्यूशन कर सके। इस वीडियो को देखने के लिए यहीं पर बहुत बहुत धन्यवाद।